देखिए इस वीकेंड सबने ना बहुत मजा किया क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था, ऑसम था, ऑसम था। आप लोगों को कहीं घूमने गए आप लोग? ऑफिस में थे मैं तो गलत सवाल था, लेकिन वाकई मुझे लगा कि ऑफ का मजा ऐसे मौसम में ही है। अरे घर घर के ओले पड़े, इतना सुहाना मौसम, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो चलिए अब कुदरत के रंग की बात कर लेते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बूंदाबांदी होगी और साथ ही मौसम भी ठंडा बना रहेगा। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने IMD के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार से खास बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है। पूरे उत्तर भारत की स्थिति लगभग यही है, कई जगह बरसात हो रही है। ऐसे में मार्च के महीने में अमूमन ऐसे हालात देखने को कम मिलते हैं, खासकर जब अप्रैल आने वाला हो। नरेश जी मेरे साथ हैं, IMD के सीनियर साइंटिस्ट हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि अब जो है वो आकाश में कभी बादल बिल्कुल काले छाए रहते हैं तो अचानक धूप निकलती है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मौसम किस तरफ जाने वाला है, तो अभी के हालात क्या है? देखिए जैसे ये मार्च में जनरली क्या है कि प्री मानसून सीजन, इसमें इस टाइप का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हिलस्टॉर्म एक्टिविटी होता ही है। थोड़ा सा मैं एक साइंटिफिकली हल्का सा समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे इस समय क्या है, जो लैंड एरिया गर्म हो जाता है और जहाँ पे सी थोड़ा कोल्ड रहता है तो यहाँ एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और जहाँ भी हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो अगर जब बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना रहे तो फिर जब जो हवाएं जहां से आती है या जहां से आती हैं तो वो मोशन लेके आती हैं, और जहां जो कन्फ्लुएंस होता है इनका, वहां पे थंडरस्टॉर्म हिलस्टॉर्म एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है।